नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। एक ट्रेन धार्मिक यात्रा पर निकली है। यूं तो श्रद्धालुओं के लिए पहले भी ट्रेन चलती रही है, ये ट्रेन बहुत खास है क्योंकि ये ट्रेन भगवान श्री राम से जुड़ी तमाम जगहों पर लेकर जा रही है। भगवान श्री राम से जुड़ी अहम चीजों के बारे में लोगों को दिखा रही है। इस ट्रेन का नाम दिया गया है रामायण एक्सप्रेस। रामायण एक्सप्रेस फिलहाल अयोध्या में है, अयोध्या से फिर आगे बढ़ेगी। अयोध्या पहुंचने पर वहां के सांसद ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। बता दें कि दिल्ली से बीती रात रामायण एक्सप्रेस चली है, जो पूरा देश घूमते हुए जनकपुरी होते हुए आगे बढ़ेगी। श्रद्धालुओं के पास श्रीलंका जाने की व्यवस्था भी है। आस्था की पटरी पर धर्म की यात्रा करने कुछ यूं दौड़ पड़ी है रामायण एक्सप्रेस। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अपार महिमा को समझने श्रद्धालुओं से भरी ट्रेन निकली है उन धर्म स्थलों के लिए जिनका धर्म ग्रंथों में प्रमुख स्थान रहा है। गजब का दृश्य है ये, देख लीजिए। जब ये ट्रेन चलने के लिए तैयार हो रही थी तब कुछ ऐसी तस्वीर थी दिल्ली में रेलवे स्टेशन की। पूरे 800 मुसाफिरों की क्षमता वाली इस धार्मिक ट्रेन की रवानगी से पहले भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जगह जगह श्री राम की तस्वीरें लगाई गई थी। श्री राम, सीता और लक्ष्मण की पूजा अर्चना के बाद शानदार झलकियां दिखाई गईं। पंचमुखी हनुमान को देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध था। देखते ही बन रही थी कलाकारों की कलाकारी। ये सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, ये आस्था के आसमान पर पहुंचने का प्रतीक है। ये विश्वास के बुलंदी पर होने के बाद उम्मीदों के हकीकत में बदलने की तस्वीर है। दिल में भगवान श्री राम को बसाने वाले उनके अनन्य भक्तों की भक्ति के एक सिरा के मुकम्मल होने का प्रमाण है ये। अपने आराध्य श्री राम को समझने धार्मिक यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। तिलक और माला पहनाकर ट्रेन में बिठाया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने धार्मिक ट्रेन को ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना करने के लिए हरी झंडी दिखाई और फिर ट्रेन निकल पड़ी शहर शहर मंदिर मंदिर घूमने के लिए। धार्मिक यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर था। कार की बड़ी अच्छी कोशिश है और हम चाहेंगे कि हमारे जैसों के लिए ऐसे ट्रिप मिलते रहे। और यहाँ पर आपका स्वागत कैसे हुआ? बहुत अच्छा स्वागत हुआ, उम्मीद से ज़्यादा। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम भारत देश के नागरिक होते हुए पहली बार लगा रेलवे ने कुछ हमारे लिए सोचा। ये रामायण एक्सप्रेस की व्यवस्था देखकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। प्रभु ऐसी यात्रा मंगल कर मैं हो हमारी। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ये बयां नहीं कर सकते, इतना अच्छा महसूस हो रहा है इस व्यवस्था को देखकर। धन्यवाद जी। आज इस यात्रा के दौरान जितने भी यात्री जाएंगे, श्रद्धालु जाएंगे, उनका शुभ मंगलमय हो और जो भी सौभाग्य आज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। दिल्ली से रवाना हुई रामायण एक्सप्रेस सबसे पहले रुकी अयोध्या में। रामलला का दर्शन कराने के लिए अयोध्या जंक्शन पर लोग उतरे। इसके बाद यात्रियों को हनुमानगढ़ी, रामकोट और कनक भवन मंदिर भी लेकर जाएगी ये ट्रेन। भगवान श्री राम की जन्म स्थली का मनोरम दृश्य देखने के बाद ट्रेन आगे रवाना होगी। आपको बता दें कि ये धार्मिक यात्रा 16 दिनों की है। पूरे टूर का संचालन IRCTC कर रही है। अयोध्या के बाद ट्रेन रामायण सर्किट के तहत दूसरे महत्वपूर्ण स्थलों मसलन नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर जाएगी। उसके बाद ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, श्रृंगवेरपुर, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम भी जाएगी। श्री रामायण एक्सप्रेस टूर पैकेज में सभी समय के भोजन, ठहरने और धर्मशालाओं में कपड़े धोने की व्यवस्था के अलावा सभी ट्रांसफर तथा साइट सीइंग व्यवस्था भी शामिल है। जाहिर है कि लोग काफी उत्साहित हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए श्रद्धालु इस धार्मिक यात्रा पर निकले हैं। इस ऐतिहासिक धार्मिक यात्रा पर निकलने वालों में महिला, बुजुर्ग, नौजवान, हर कोई शामिल है।
बड़ी बात यह है कि श्रीलंका में श्री राम सीता से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल दिखाने की भी योजना है। इसके लिए श्रद्धालुओं से अलग से किराया लिया जाएगा। श्री रामायण यात्रा के दौरान श्रीलंका जाने का विकल्प चुनने वाले यात्री चेन्नई से कोलंबो के लिए उड़ान ले सकते हैं। फिलहाल IRCTC श्रीलंका के लिए 5 रात 6 दिन का टूर पैकेज पेश कर रही है, जिसका न्यूनतम दाम 47,600 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है। लोगों की जिंदगी की एक बड़ी मुराद पूरी होने वाली है, ऐसे में उनकी खुशियां देखते ही बन रही हैं। मेरा नाम पवन है, हम रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले हैं। मेरे मम्मी पापा, बुआ जी, फूफा जी और ताई जी, चाची जी पहली बार जा रही हैं यहाँ पे, और इस यात्रा के लिए बहुत ही उत्साहित है और बड़ा अच्छा लगा कि सरकार की तरफ से ऐसा रिलीजियस इनिशिएटिव लिया गया है। थैंक यू। TR शर्मा, तिलक राज शर्मा मेरा नाम है। मैं नोएडा से आया हूँ और इस यात्रा रामायण यात्रा पर जा रहा हूँ। ये यहाँ का हाल देख के ऐसा लग रहा कि मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली फील कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत ऊंचाई पर फील कर रहा हूँ कि भगवान राम के उस उन जगह में जा रहा हूँ जहाँ पर उनके चरण पड़े, यहाँ उन्होंने यात्रा की। इस तरह की ट्रेन का इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा था, आखिरकार सरकार ने लोगों की भावनाओं को पटरी पर दौड़ा दिया। आपको बता दें कि चंद महीने पहले अयोध्या से जनकपुर के लिए बस की शुरुआत भी हुई थी, उसके बाद रामायण एक्सप्रेस दौड़ पड़ी। असल में अयोध्या में रामलला मंदिर को लेकर उठी आवाजों के बीच श्री राम के नाम पर इस रामायण एक्सप्रेस की कई मायने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।